हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, उम्र बढ़ने के साथ हमारे चेहरे पर फाइन लाइंस दिखने लगती हैं, जिन्हें झुर्रियाँ या रिंकल कहते हैं। ये हमारे माथे पर, फोरहेड पर, आँखों के आसपास, होठों के आसपास, ठोड़ी के आसपास दिखती हैं। और 40 की उम्र के बाद हमारी स्किन में मौजूद फैट, आयल, इलास्टिन कम होने से स्किन का लचीलापन कम हो जाता है, यानी कि स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है और झुर्रियाँ दिखने लगती हैं। लेकिन पोल्यूशन, सन एक्सपोजर, अनहेल्दी डाइट, स्मोकिंग आदि बहुत से रीज़न से कारण से समय से पहले ही चेहरे पर झुर्रियाँ आ जाती हैं। तो आज मैं आपको स्किन टोन को मेंटेन करने और झुर्रियों को कम करने वाला आयुर्वेदिक फेशियल सीरम बनाना बताऊँगा। उसके लिए हमने किन चीज़ों का इस्तेमाल किया है, इसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहले है सौंफ। ये एक नेचुरल स्किन टोनर और एंटी एजिंग है। ये स्किन के पोर को टाइट करती है, साथ ही स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करती है, इसलिए हमने इसको इस्तेमाल किया है। दूसरी चीज़ है संग जरहाद भस्म। ये स्किन को टाइट रखने और क्लीन रखने के लिए बहुत अच्छी है। ये एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो कि एक सॉफ्ट स्टोन से बनती है। बहुत आसानी से अमेजन पे या लोकल मार्केट में बहुत कम दाम पर आपको ये मिल जाएगी। तीसरी चीज़ है कर्ड, यानी कि दही। इसका स्किन पर एंटी एजिंग और एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट होता है। स्किन के मॉइस्चर को मेंटेन करता है। इसमें लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया होते हैं जो कि स्किन को फिट और यंग रखने में मददगार होते हैं। चौथी चीज़ है हनी, यानी कि शहद, जो कि डेड स्किन को निकालता है और स्किन को गहराई तक मॉइस्चर करता है। साथ ही इसका स्किन पर एंटी ऑक्सीडेंट और एंटी सेप्टिक इफेक्ट होता है और ये स्किन को हील भी करता है। पाँचवीं चीज़ हमने ली है एरो रूट पाउडर। ये स्किन को मुलायम और सिल्की बनाता है, साथ ही ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा है। इस फेशियल सीरम में मिलाने से ये सीरम सभी स्किन वालों के लिए अच्छा है, सभी लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे बनाने का तरीका हम देखते हैं। सबसे पहले एक पैन में 100 ml पानी लेंगे और उसमें एक चाय का चम्मच यानी कि 5 से 7 ग्राम सौंफ डाल देंगे। थोड़ी देर गर्म करेंगे। एक दो उबाल आने के बाद इस पानी को हम एक गिलास में या एक जार में रख देंगे, ढककर रख देंगे। और जब ये ठंडा हो जाएगा तभी हमें कोई इस्तेमाल करना है। इसको छानना नहीं है, इसको ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये सौंफ का पानी बन गया है। अब इस पानी में से 2 चम्मच पानी हम एक छोटे बोल में ले लेंगे। 2 चम्मच सौंफ का पानी ले लेंगे, ठंडा होने पर ही इस लेना है। इसके बाद इसमें 1 चम्मच हनी मिलाएंगे और इनको मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें 1 चम्मच कर्ड यानी दही मिलाएंगे, सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुछ देर मिलाने के बाद ये बिल्कुल सीरम जैसा बन जाएगा, क्लियर सीरम जैसा बन जाएगा। ये देखिए, हमने इसको मिला लिया है, बिल्कुल ये क्लियर सीरम जैसा बन गया है। इसको आप इतना भर भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें जैसा कि मैंने बताया संग जरहाद भस्म और एरो रूट पाउडर मिलाएंगे तो ये सभी के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। अब इसमें हमने 4 चुटकी के आसपास एरो रूट पाउडर मिलाया है। एरो रूट पाउडर बहुत आसानी से मिल जाता है, सबके घरों में भी होता है और बहुत सस्ता मिलता है, 100 रुपये किलो के आसपास मिलता है। बहुत थोड़ा सा लगाना है, 4 चुटकी यानी कि 500 मिलीग्राम के आसपास। और इसमें सबसे लास्ट में हम 2 चुटकी यानी कि 250 मिलीग्राम के आसपास संग जरहाद भस्म डालेंगे। अगर ये आपके पास नहीं है, आपको नहीं मिल रही है, तो आप इसकी जगह 2 चुटकी फिट करीब डाल सकते हैं और इसको मिलाकर अच्छे से हम मिला लेंगे और बिल्कुल ये क्लियर लिक्विड बन जाएगा और ये आपका फेशियल सीरम तैयार हो गया है। अब इस सीरम को आप लें और अपने चेहरे पर, चेहरा साफ करके चेहरे पर लगा लें हल्के हाथ से और आधे घंटे तक यूं ही रहने दें। आधे घंटे बाद पहले हल्के गुनगुने पानी से चेहरे को थपथपाते हुए चेहरा साफ करें, उसके बाद ठंडे पानी से साफ करें। हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करें, यह आपके चेहरे की स्किन की टोन को मेंटेन करेगा। आपकी धीरे धीरे झुर्रियाँ भी कम होंगी और आपका रंग भी निखरेगा। आप इसको इस्तेमाल करें और अपने दोस्तों को बताएं। मेरे चैनल को देखते रहें, लाइक सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।